हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे बच्चों ने जो टीचर्स डे को स्पेशल बनाने के लिए या हमारे दिन को स्पेशल बनाने के लिए जो इतनी मेहनत की है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई होप आप सबको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे। माय नेम इज लक्षिता भंडारी। आई एम स्टडीइंग क्लास 7th इन पद्मश्री अकेडमी स्कूल इन मेहता सिटी। आई एम मेकिंग ए कार्ड ऑफ टीचर डे। पता है टीचर्स डे है। टीचर्स डे को हमारे स्कूल पद्मश्री एकेडमी में हम सब टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं। तो आज मैं उस जाऊंगी क्लास 7 आपका इसी का टेस्ट लेना ले रहा हूँ। तो चलो टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आपकी सीटी की नोटबुक निकालिए और यहाँ पे लिखिए 5th September 2020 होम टेस्ट। आप भी स्कूल में नहीं हो, इसलिए अगर आप स्कूल होते तो आप यहाँ पे क्लास टेस्ट लिखिए। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश एज बिहाफ ऑफ नीतू मैम। एज यू नो टुडे इज टीचर्स डे, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स एंड लेट्स स्टार्ट। रिविजन वर्क ऑफ लेसन 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which colors do you need to get pink color? कौन से colors हम use करेंगे तो हमें pink color मिल जाएगा। To get pink color, we need to mix red color with white color. अगर हम red color On this day, I made EVS teacher and so I teach you EVS subject. Hello बच्चों, good morning. Today we will doing revision work of lesson 4 and 5. आज हम लेसन 4 की सेकेंड एक्सरसाइज बी कंप्लीट करते हूँ। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आप सभी को एयर चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ सी एक्सरसाइज की। टेक द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट, प्लांट नीड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। निवासी डॉक्टर सापली राधा कृष्ण एंड टीचर डे सेलिब्रेटेड इन कमेमोरेशन ऑफ हिज बर्थडे इन दिस डे फिल्ड विद लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट जॉय एंड हैप्पीनेस। स्टूडेंट्स आर ईगरली लुकिंग टिल फॉरवर्ड देयर टीचर्स हाउ एंड व्हाई आर दे Special to them. It is my honor to talk about our dear teachers on this wonderful occasion. Happy Teachers Day to all my teachers. टीचर्स डे आज मैं आपको लेसन 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इनके हार्डवर्ड समझाऊंगा। हमारा फर्स्ट हार्डवर्ड है वेदर। वेदर यानी कि मौसम। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। आज आपका टेस्ट, तो मैं आपको सबसे पहले रिवीजन करा देता हूँ, बाद में हम टेस्ट करेंगे। वो है आपका 0 और 1 की टेबल। 0 1 से 0, 0 2 से 0। अब मैं सुनूंगा और आपको 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 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
डे एंड होमवर्क, राइट एन एप्लीकेशन। हम आज एप्लीकेशन करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना है हमें टू, सेकंड लिखना है द हेडमिस्ट्रेस, थर्ड में लिखना है पद्मश्री अकेडमी, फोर्थ में लिखना है मेहता सिटी, फिफ्थ में अब हमें लिखना है मैम। गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे। अब हम आज करेंगे इंग्लिश ग्रामर का वर्क, लेसन 5, जेंडर। देखिए अब हम करते हैं जेंडर। देखिए मैं अब आपको पढ़ाता हूँ। माय ब्रदर इज एन एक्टर,
ओके, मेरा भाई है जो एक्टर है। टुडे आई विल टीच यू एज द हाफ ऑफ संगीता मैम, लेट्स स्टार्ट। दोहरान कार्य, फर्स्ट क्वेश्चन है, चांद कब और कहाँ चमकता है? तो इसका आंसर है, चांद रात को आसमान में चमकता है। Use of A and एंड A. A is used before consonant sound. A जो होता है वो consonant के पहले use किया जाता है. N is used before vowels A, E, I, O, U. N vowels के पहले use किया जाता है. Sardia from 7th class. Here is your city. ये आपको मैथ्स की कॉपी में नहीं करना है, ये क्लास टेस्ट की नोटबुक में करना है और इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट आई विल विश माय डियर टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे। आई विल टीच यू एसएसटी हिस्ट्री लेसन टू डिक्टेशन वर्ड्स। 5 सितंबर क्लास वर्क सैटरडे, लेसन 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स डिक्टेशन वर्ड्स, डायनेस्टी साम्राज्य सेंचुरी। मॉर्निंग क्लास 5th हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी छिपा खजाना। प्लीज इस कहानी को ध्यान से पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ाऊंगी छिपा खजाना। किसी गाँव में एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे, वे सभी आलसी थे। उसने अपने पुत्रों को परीक्षम करने की सलाह दी। आलसी पुत्रों ने उसकी सलाह कभी मतलब कोई परवाह नहीं की। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने पुत्रों को अपनी पास बुलाया और उसने कहा कि मेरे खेत में एक खजाना है, खुदाई करने पर वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे खोद कर निकाल लेना। वह कहकर किसान की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद चारों पुत्र ने क्लास के अंदर लेसन 4 की प्रैक्टिस करी थी। आज हम उसका सीटी लेंगे। माई सेल्फ जतिन सोनी इन 7th क्लास। वर्क हमें मैथ्स की नोटबुक में नहीं करना है, ये हमें सीटी की नोटबुक में करना है। 5 सितंबर सीटी ऑफ मैथ्स सैटरडे लेसन 4। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द नंबर नेम। नंबर का नेम लिखना है। फर्स्ट डिजिट है 11। हैप्पी टीचर्स डे। मैं कृष्णा रंकावत क्लास 8 से आपको संगीता मैम की तरफ से HG हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांटकर लिखिए। कल हमने ताजमहल देखा, तो इसमें संज्ञा है ताजमहल। रमा लिख रही है, तो इसमें संज्ञा है रमा। बाग में मोर नाच रहा है। आज मैं आपको टीचर्स डे के बारे में कुछ ड्राइंग बनाना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट। अब आएगी कलर की बारी। अपन इसमें ब्लू कलर करेंगे। हमने इसमें ब्राउन कलर किया और इसके अंदर ब्लू, इसमें पिंक, इसमें येलो, इसमें रेड और इसमें पिंक और इसमें ग्रीन और यहाँ पे ब्लैक और इधर रेड। और अब यहाँ पे अपन एक बोतल बनाएंगे। टीचर्स डे पे शोभा मैम बनी हूँ। तो आज हम HG में लेसन 2nd की एक्सरसाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेट है आज 5 सितंबर 2020। कक्षा कार्य शनिवार। पाठ 2 ख। निम्नलिखित स्वरों में ह स्वर व दीर्घ स्वर छांटिए। तो चलिए हम छांटते हैं। फर्स्ट ह स्वर को देखते हैं। कौन क्लास 7 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कनिका मुंडला। और जैसे कि आप पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और आज करने हैं एक्सरसाइज। आज 5 सितंबर 2 गृह कार्य शनिवार। पार्ट 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट
जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर स्वर कहते हैं। सेकंड, हाय एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। माय नेम इज अंजलि सोनी। आई स्टडी इन 8th क्लास। आज टीचर्स डे है तो आज टीचर्स डे पे मैं ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा। आई स्टडी इन 8th क्लास इन पद्मश्री अकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं आज टीचर्स डे है, तो मैं आपको आज रामराज सर की जगह पढ़ाना चाहता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जिसकी पावर जीरो हो तो जिसकी भी पावर जीरो हो तो उसका जो पावर जीरो है तो उसका वन माना जाता है। तो आगे देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जैसे 8 की पावर 0 है, प्लस 3 की पावर 0, प्लस 25 की पावर 0। अब आप इतना कंफ्यूजन में मत आइए, जिसकी भी पावर 0 है उसमें 1 होगा। तो 8 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 25 की पावर 0 तो 1। तो इनके बीच में सारे के बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस होने से क्या होता है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, 3 की पावर 0 मल्टी 2 की पावर 0 डिवाइड बाय 5 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 है उसका मतलब तो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में, डिवाइड बाय 5 की पावर 0 तो 1, 1 अपॉन 1 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो डिवाइड में 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही आंसर आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राघव सोनी, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको रामराज सर की जगह पे पढ़ाऊँगा, तो क्योंकि आज टीचर्स डे है इसलिए। तो बच्चों, आज अपन का टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग अपन पढ़ेंगे और रीजनिंग में अपना टॉपिक है मिरर। तो चलो बच्चों, अपन मिरर को एक बार समझ लेते हैं ढंग से। तो बच्चों, जो मिरर होता है ना, वो अपन का जैसे ये लड़का है, ये अपनी खुद की इमेज है ना, ये अपनी मिरर में देख रहा है। देखो, ये देख रहा है ना, ये वाली। तो अगर है ना, ये अपना राइट हैंड है, तो इसका राइट हैंड है ना, अगर ये उठाता है तो इसका ये लेफ्ट हैंड उठता है ना बच्चों। तो वैसे ही है, और कुछ भी नहीं है। ये अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा तो ये वाला हैंड उठेगा, है ना, और अगर ये वाला हाथ हिलाएगा तो ये वाला हाथ हिलेगा, है ना। तो ऐसे ही होता है, मिरर बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो इसको शुरू करते हैं अपन। देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं ये यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे ये 5 बन रखा है ना, ये देखो, ये 5 दिख रहा है, ये 5। तो अगर इसको अपन है ना मिरर में देखेंगे ना, बीच में यहाँ पे सोच लो मिरर है, तो अगर अपन इस 5 को मिरर में देखेंगे ना, तो ये कुछ, अगर अपन इसको मिरर में देखेंगे इस 5 को, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, ऐसा दिखेगा ये। तो बच्चों, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये 5 पूरा।